In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Praise be to Allah who gave us the power and strength to speak and listen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Second year physics, lecture number 11, chapter number 1, electrostatics. I am Shoaib Arshad, lecturer of physics. Today's topic is article 12.6. Electric flux through a surface enclosing charge. के एक सरफेस है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज है, उसके बारे में डिस्कशन करनी है. लेआउट, इंट्रोडक्शन, टोटल फ्लक्स और फाइनल रिजल्ट के बारे में डिस्कशन होगी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए. डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पैच हैविंग मैग्नीट्यूड. कि हमारे पास एक टोटल सरफेस है, डायरेक्ट उसको डिस्कस नहीं करते, पहले उसके सरफेस को स्मॉल पैच में लेके जाते हैं, यानी एक स्मॉल पैच बनाएंगे और पैच जो फ्लैट हो जाएगा, इसकी लेंथ और विड्थ भी आ जाएगी, जिस लेंथ और विड्थ से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. और फर्स्ट पैच होगा तो A1 होगा, सेकेंड होगा A2 हो जाएगा. इसी तरह हम इनको चेंज इन एरिया जब लिखेंगे तो डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू डेल AN, यानी टोटल सरफेस एरिया डेल AN पार्ट्स में डिवाइड है. क्योंकि चार्ज है तो उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका एरो बाहर की तरफ हम देख रहे हैं. वेक्टर एरिया डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू डेल AN. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द वेक्टर एरियाज आर E1, E2, E3 अप टू EN. अगर एरिया डेल AN तक है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी EN तक होगी, यहाँ तक. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स यूनिट इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब हमारे पास एक पूरा कंप्लीट सरफेस है जिसमें स्मॉल पैच एरिया के भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हैं, और एन यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ए और ई की डायरेक्शन को एन यूनिट वेक्टर इंडिकेट करता है. यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होती है, कि चार्ज जो है उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और स्मॉल पैच फ्लैट अगर गोल सरफेस होगा तो उसका कुछ और एरिया होगा. अगर स्मॉल पैच ले रहे हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ के हिसाब से उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. जब टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वही आ जाएगा दोबारा, लेकिन स्मॉल पैच में कैलकुलेट करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि लेंथ और विड्थ वाजिया हो जाएगी. नेक्स्ट, अब यूजिंग अ स्फेरिकल सरफेस विद एरिया. अगर सरफेस जो स्फेरिकल होगा तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 4πr² जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसका रेडियस आर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू और आर स्केयर ओवर आर, या E इज़ इक्वल टू क्यू और 4πε0 आर स्केयर, ये डिस्कशन में पहले आ चुकी है. अब हम आगे चलते हैं. ड्यू टू सिमेट्री E एंड डी ए आर पैरेलल एंड E इज कांस्टेंट. सिमेट्री के लिहाज से E और A जो हैं आपस में पैरेलल हैं. यहाँ पे भी हम दे चुके हैं कि E और A आपस में पैरेलल है. E और A जब पैरेलल होते हैं तो एंगल 0° आता है. कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. तो E की वैल्यू 1/4πq और आर स्केयर है. कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि एरिया पे हमारा A इज इक्वल टू 4πr² हो गया. और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए. अब यहाँ पे ई की वैल्यू भी पुट करते हैं और ए की वैल्यू पुट करते हैं. ई की वैल्यू पुट हो जाएगी, ए की वैल्यू भी पुट हो जाएगी, और फाई फ्लक्स भी पीछे आ जाएगा. ई की वैल्यू चले पुट करते हैं, वो क्या है, ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई इज इक्वल टू 1/4πε0. यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर दी है और 4πr² उसकी वैल्यू पुट कर दी है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं. फाइव पीछे आ जाएगा,
ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आ गई, और एरिया जो स्फीयर का आ जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 4 पाई 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस फिगर में वाजह हो जाएगा कि हमारे पास है जो दोनों आपस में ई और ए पैरेलल हैं, इसका मतलब है एंगल उनके दरमियान 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 cos 0° 1 इक्वल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, जो क्लोज इंटीग्रल लिख रहे हैं इसका मतलब है क्लोज सरफेस है, इसलिए लिख रहे हैं। तो वैसे तो हमारी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर साथ ए आ जाएगा। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू जब यहाँ पे लिखी हो ए की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर, तो आर आर के साथ कैंसिल, 4 पाई 4 पाई के साथ कैंसिल हो गया और क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास। तो जेड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी रेडियस ऑफ दी गाजियन स्फीयर, यानी जो पूरा बाहर वाला सरफेस होता है उसे गाजियन सरफेस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लास्ट वाली इक्वेशन से हमें पता चल गया है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और कांस्टेंट वैल्यू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, ये कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं। तो रिजल्ट को डिस्कस करते हैं, मोर जनरली रिजल्ट ऑफ दी इंटीग्रल डज नॉट इवन डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द सर्फेस ऑनली ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाई द सर्फेस। इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है वो जस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो सिमेट्री है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स थ्रू एनी सर्फेस इंक्लोजिंग द चार्ज क्यू इज गिवन बाई क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट टू थिंक अबाउट, डिस्क्राइब द फोर्स आर फोर्सेज ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, के हमने बताना है कि जब एक चार्ज है उसकी कंडीशन ये है विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, के प्लेट्स हैं दो इक्वल चार्जेस हैं उसके दरमियान जब हम कोई चार्ज प्लेस करते हैं यानी पॉइंट चार्ज प्लेस करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। हमें चार्ज की नेचर का पता है कि अनलाइक चार्जेस जो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस उस केस में क्या होगा। ओके, थैंक यू।